2018 जी, 11 अक्टूबर 2018 की अब बात करें कि कानून था जिसमें ये कहा गया था कि एनवायरमेंट फ्लो नदियों को मिलना चाहिए, जिसमें यमुना का जिक्र है, गंगा का जिक्र है, उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। क्या उनकी जवाबदेही बनती है, उनको क्या कदम उठाने चाहिए थे इसे लेकर? देखिए, गंगा यमुना के लिए वो कानून बना था, खासकर क्योंकि जी डी अग्रवाल ने इसके लिए आंदोलन किया था और हम उस आंदोलन के काम में लगे थे, हम साथ थे। मैंने तो जी डी से कहा था कि जी डी साहब, आप माँ गंगा के लिए अपने प्राण मत दीजिए। वो कह रहे थे तुम भी दो, मुझे कह रहे थे। मैंने कहा मुझे अभी जिंदा रह के लड़ने दो, मैं अभी नहीं जाना चाहता, तुम तो मेरी नहीं मानोगे। वो तो अपनी तपस्या करते हुए माँ गंगा के लिए उन्होंने 118 दिन की तपस्या की और उस प्रधानमंत्री के काल में की जिस प्रधानमंत्री ने उनको ये विश्वास दिलाया था कि आपकी माँ गंगा को अब मैं अविरल निर्मल बनाऊंगा, आप अपना आंदोलन बंद कर दो। जी डी अग्रवाल साहब ने इनके कहने से अपना आंदोलन बंद किया था और जी डी अग्रवाल ने इनको 3 पत्र लिखे, 3 पत्रों का जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देने के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि अब मेरी माँ को यदि मैं नहीं बचा सकता तो मुझे इस धरती पे नहीं रहना। वो चाहते थे कि हम भी जाएं, पर मैंने कहा मैं तो नहीं जाने वाला, मुझे तो अभी धरती पे पानी का काम करना है और नदियों को जिंदा करना है। मैंने उनके जाने के बाद 4 नदियां जिंदा की, पार्वती को जिंदा किया, शेरनी को जिंदा किया, तिबरा नदी को जिंदा किया। ये चंबल की नदियां हैं, ये सारी की सारी यमुना में मिलती हैं, चंबल हमारी यमुना में मिलती है, तो यमुना से जुड़ी हुई 4 नदियों को जिंदा किया। इसलिए मैंने तो उनको मना कर दिया था कि मैं तो नहीं जाना चाहता, मुझे तो अभी जिंदा रहना है और नदियों को जिंदा करने का काम छोटा छोटा करूंगा। और वो चले गए, मुझे जाने का उनके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान थे नदी के लिए, वो एक सच्चे नदी के बेटे थे। वो कहते नहीं थे कि मैं नदी का बेटा हूँ और नदी ने गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा जी ने मुझे बुलाया है, उन्होंने कभी नहीं कहा। कहने वाले भूल गए जो कहते हैं कि मैं गंगा का बेटा हूँ और गंगा जी ने मुझे बनारस में बुलाया है, वो तो भूल गए, पर जी डी अग्रवाल साहब नहीं भूले थे, ना भूलते थे। इसलिए मेरा कहना यह है बहन जी, यदि आज हम गंगा को यमुना को ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम जो कानून हमने बनाए हैं गंगा जी के लिए उनको तो लागू करें। हमारी वर्तमान सरकार ने जो गंगा जी को इंसानी दर्जा देने का एक हमारे हाईकोर्ट ने कानून मतलब एक तरह से जजमेंट दी थी, उसको भी सरकार ने करने नहीं दिया, लागू नहीं होने दिया, उसको भी रुकवा दिया। लेकिन जो इस सरकार ने कानून बनाया कम से कम उसकी पालना तो ये सरकार करती। इस सरकार ने 1% भी 0% भी उस अपने कानून की पालना नहीं की जो इन्होंने 2018 में 11 अक्टूबर 2018 में जिस कानून को बनाया था उस कानून को गंगा जी में आज तक 0% पालना नहीं, कुछ जैसा पहले था वैसे का वैसा। तो आपकी इस चर्चा से मुझे जो समझ में आया, आप ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में हालात हुए उससे बुरे हालात भविष्य में हो सकते हैं अगर हम अभी नहीं संभले। दूसरा, आपने ये कहा कि दिल्ली में पानी कम आता अगर हरियाणा अपनी नहरें खोल देता। पहले भी हरियाणा ने ऐसा किया है कई बार कि जो उसकी कैनाल्स हैं उसको वो खोल देता है, जैसे दिल्ली में आधा पानी आता जितना अभी आया। तीसरी बात, आपने ये कही कि साबी नदी की आपने चर्चा की कि नजफगढ़ तक जाता था, एक झील था जिसका जिक्र भी नहीं होता, शायद बहुत सारे दिल्ली वालों को इस नाम का पता भी नहीं होगा कि साबी नदी भी कुछ था। और एक आपने जिक्र किया कि जो बरसाती नाले थे जो उनका जो पानी नदी में जाता था जिससे उसको एक रिजुवनेशन मिलता था, उसकी जगह वो सारा का मल उन नालों से दिल्ली का जितना आधा मल है पूरी दिल्ली का, कई हजार टन का जिक्र होता है, शायद 3,000 टन या कितना इसके आंकड़े में जो देखने होंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में रोज मल गिरता है दिल्ली का यमुना में। तो बहुत, और अतिक्रमण इंक्रोचमेंट तो है ही जो अवैध, अतिक्रमण, प्रदूषण और जल का शोषण, ये 3 बड़े खतरे हैं यमुना जी। अतिक्रमण, प्रदूषण और जल का शोषण। जल यमुना को नहीं मिल रहा है, जो यमुना जी का जल है वो नहीं मिल रहा, केवल मलमूत्र का और इंडस्ट्री का पोल्यूटेड वाटर मिल रहा है। मैंने एक और बहुत खास बात की जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि ये जो हमारा बैराज है उस बैराज का पानी
यदि हम गुड़गावा कैनाल सिस्टम में खोल देते तो हरियाणा की तीन झीलें भर जाती और हरियाणा के पास पूरे साल का पानी रहता। तो हमने उसको भी नहीं खोला। ये दिल्ली सरकार खोलना चाहिए था हरियाणा में। और हरियाणा सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, दिल्ली सरकार ने भी ठीक काम नहीं किया। दिल्ली सरकार यदि अपने गुड़गावा कैनाल सिस्टम में अपने यमुना जी के पानी को खोल देती तो दिल्ली का जो वाटर लेवल हाई हुआ वो कम हो जाता, नीचे हो जाता, इससे ऊपर तक पानी नहीं जाता। किस बैराज की बात कर रहे हैं? ओखला बैराज कही मैंने, ओखला बैराज। अच्छा, ओखला बैराज। तो आपने कहीं समाधान बताए जो हो सकते थे और जिसके बारे में इंजीनियर्स को सोचना चाहिए था, जिसके बारे में एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सरकार है, उनको सोचना चाहिए था कि किस तरह से इसका समाधान हो सकता था, लेकिन उसके बारे में। जी जी हमारी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने एक बड़ी बेसमझी करके रखी है। नौ डिपार्टमेंट है जो यमुना जी से संबंध रखते हैं और ये नौ के नौ आपस में ही टकराते रहते। एक कहता है उस डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, दूसरा कहता है उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई इसलिए हम नहीं कर पाए। ये नौ डिपार्टमेंट 500 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं और चार दिल्ली सरकार के और भारत सरकार के डिपार्टमेंट है, CPWD वगैरह वगैरह। तो ये जो डिपार्टमेंट है इन डिपार्टमेंट को एक यमुना का एक मुश्त काम करना चाहिए और यमुना की जितनी भी ड्रेन है उन ड्रेन को ठीक करने का काम, ये जो वर्षा का जल है उसको अलग करें और जो गंदा जल है उसको अलग करें। और इसका प्लान, इतना अच्छा प्लान बनाया था बहन जी इस सरकार ने कि हमारे 201 नाले दिल्ली के ड्रेन के एक एक नक्शे पर बिल्कुल नाप तोल में फिट करके रखे हैं। 2006 में ये प्लान बना था और 2018 में हमारा सुवेज प्लान बना था। इसलिए यमुना पर दिल्ली में जो काम करने चाहिए वो कागजों में तो पूरे सुसज्जित है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। कभी भी संगठित होकर, कभी भी एक होकर दिल्ली को बाढ़ मुक्त नहीं बनाना चाहते, दिल्ली को स्वस्थ नहीं बनाना चाहते, दिल्ली की यमुना को आईसीयू से निकाल के उसका इलाज नहीं करना चाहते। दिल्ली की यमुना आज आईसीयू में भर्ती है और वो अपना गुस्सा, जब कोई मरता है ना तो क्या ना करता, मरता सब कुछ करता। सिर्फ डिपार्टमेंट की बात नहीं है, राज्यों के बीच भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, राज्यों के मुख्यमंत्री को, अभी ये बाढ़ आई थी तो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री को तत्काल बैठ के कौन सा राज्य क्या करे ये करना चाहिए था। दिल्ली की सरकार को ओखला बैराज में सारा पानी खोल देना था, सारी गुड़गावा कैनाल में इसमें उसमें वाटर लेवल नीचे आता। हरियाणा सरकार को ऊपर का सारा बैराज ऊपर से ही हस्तीकुंड के वहीं से अपने सारे कैनाल सिस्टम को खोलकर यमुना का आधा पानी कम किया जाता, वो सरकारों ने नहीं किया। इसलिए पूर्णिमा बहन, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरा इन सब सरकारों से कोई, किसी से कोई दलगत राजनीति का कोई बैर नहीं है। मुझे अपना देश, अपने देश की राजधानी और अपनी माँ यमुना के प्रति सम्मान है। इसलिए मैं तो एक ही नारा लगाता हूँ हमेशा, नीर नारी नदी नारायण है, नारायण है, नारायण है। ये ना नीर को सम्मान करते हैं, ना नदी को सम्मान करते हैं, ना नारी को सम्मान करते हैं। इसलिए ये जो बुरे दिन आए हैं ना, ये माई से कमाई करने के कारण आए हैं। हम कहते तो माई है नारी को, लेकिन उसको माई जैसा सम्मान नहीं देते। इसलिए हमारी माँ जो है अब आईसीयू में भर्ती है, इसका इलाज इन्हें तत्काल करना चाहिए था सारे बेटों को मिलकर। इसके 6 बेटे हैं माँ के, 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठकर तुरंत फैसला करके इस बाढ़ के इलाज कर सकते थे। इस बाढ़ का इलाज इनके हाथों में था। इसलिए बहन जी आखिर में एक बात कह रहा हूं, ये बाढ़ प्राकृतिक नहीं है, ये बाढ़ नैसर्गिक नहीं है, ये बाढ़ कुदरत की दी हुई नहीं है, ये बाढ़ इंसानों की बनाई हुई बाढ़ है, ये मानव निर्मित पल्ले है, ये मानव निर्मित बाढ़ है। इसलिए इंसानों को अपनी जिम्मेदारी समझकर अब भी लग जाना चाहिए। अभी कुछ ज्यादा जो कुछ बिगड़ना था बिगड़ गया,
यमुना जी को जो सिखाना था वो उसने हमें सिखा दिया, अब हमें यमुना जी से सीख ले लेनी चाहिए, क्योंकि यमुना जी ने बता दिया कि मैं कहाँ तक थी, मेरी जमीन कहाँ तक थी, और यमुना जी कह रही है कि मेरी जमीन मेरे लिए छोड़ दो। तो कई बैराज की आपने बात की जो हरियाणा के अंडर में आते हैं या उत्तर प्रदेश के अंडर में आते हैं, और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी, और अगर ये कोऑर्डिनेशन होता तो शायद दिल्ली में इतना पानी नहीं आता, और इंजीनियर्स को उस विषय में सोचना चाहिए था। साथ ही आपने जो यमुना के प्रदूषण है उसकी बातचीत की, आपने बात की कि किस तरह से इसके समाधान हो सकते हैं, और सबसे जरूरी जो समाधान है वो आपने कहा कि किस तरह से जो प्रदूषण है या नदी का जो अतिक्रमण है या जो पानी का जिस तरह से खराब किया जा रहा है नाले डालकर, तो कई पहलुओं पर आपने विस्तार से बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। और अंत में अगर आप हमारे दर्शकों से या सरकारों से कुछ कहना चाहें कि उन्हें क्या करना चाहिए, कई बातें आपने जरूर बोली इस लंबी चर्चा में, लेकिन आपके कई सवाल हैं, कुछ आप जवाबदेही चाहते हैं कि होनी चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, सम्माननीय हमारे हमारे देश की सबसे ऊंची व्यवस्था न्यायपालिका है। यदि हमारी न्यायपालिका 2009-08 में जब हम सुप्रीम कोर्ट को बता रहे थे कि यमुना जी की जमीन यमुना जी के लिए छोड़ दो, और उन्होंने हमारी बात नहीं सुने बिना ये कह दिया कि यमुना में जो बांध बना है उसके बंद की बाहर की जमीन यमुना की नहीं है, जबकि वो क्लियरली फ्लड प्लेन था, वो यमुना जी की जमीन थी, उसको खादर की जमीन बोलते थे, लेकिन यमुना माई की जमीन से कमाई करना चाहती थी सरकारें, और सुप्रीम कोर्ट सरकारों को मदद करना चाहता था, इसलिए उस केस में उन्होंने सरकार की सुनी, हमारी नहीं सुनी। मैं अब सम्माननीय अपने उच्चतम न्यायालय से और अपने दिल्ली और भारत सरकार से और सारे 6 राज्यों की सरकारों से निवेदन करता हूँ कि दिल्ली हमारी राजधानी है, इस राजधानी को अब और ना उजड़ना पड़े। दिल्ली उजड़ती रही है, बचती रही है, लेकिन अब और ना उजड़ना पड़े बाढ़ के कारण। इसलिए सोच समझ कर हमें यमुना जी की जमीन को यमुना जी के लिए छोड़ना चाहिए, ये जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, ये हमें बाहर लगानी चाहिए। यमुना जी की ग्रीन जोन में केवल खेती कर सकते हैं, उसमें मकान नहीं बना सकते। खेती करने के लिए इजाजत होती है, और वो खेती डूबती है तो उसका कोई क्लेम व्लेम नहीं होता, क्योंकि यमुना जी की जमीन है, वो किसी की जमीन नहीं है, उसके मालिक की और किसी की नहीं है। इसलिए यमुना जी की जमीन को यमुना जी की जमीन मानकर छुड़वाना चाहिए, और यमुना की जमीन का आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और नोटिफिकेशन करवाना चाहिए, और रिवर और सीवर के सेपरेट के सिद्धांत को मानकर यमुना जी में गंदे नाले नहीं आने चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और यमुना में जो माइनिंग हो रही है, खनन हो रहा है यूपी में, सब जगह हो रहा है, उसको बंद करना चाहिए। ये तीन काम, यमुना का अतिक्रमण, यमुना का प्रदूषण और यमुना का शोषण रोकने की जरूरत है, यही मैं अपनी सरकार से और अपने उच्चतम न्यायालय से निवेदन करता हूँ। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, अपना कीमती समय आपने निकाला और हमसे बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि सरकारों तक ये आपकी बात पहुंचेगी, प्रशासन तक पहुंचे, और वो इस पर जो भी जरूरी कदम है यमुना को बचाने के लिए उठाएं, और किस तरह से रिवर को रिजुविनेट किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है, और जिस तरह आपने 2018 के कानून की बात की जिसमें एनवायरमेंटल फ्लो की आपने बात की, नदियों को मिलना चाहिए, जिसमें खासतौर पर गंगा और यमुना का जिक्र है, उसे अगर सरकार लागू करे जैसा कि आप कह रहे हैं तो वो नदियों में एक नई जान फूंक सकता है। बाकी आपने हमने बार बार इस कार्यक्रम के दौरान जो चर्चा की कि किस तरह से यमुना को बचाया जा सकता है, किस तरह से उसे प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है, किस तरह से उसमें बारिश का पानी जाना चाहिए, ना कि जो बारिश के पानी जाने की जगह है जो बरसाती नाले हैं उनसे दिल्ली का कचरा नहीं जाना चाहिए, और आपने कई पहलुओं पर किस तरह से प्रकाश डाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और
यमुना नदी को बचाने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं और सरकार और प्रशासन को इस विषय में क्या करना चाहिए, इस पर आपने सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद 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 हमारे सभी दर्शकों का इस चर्चा से जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए। धन्यवाद।